नमस्कार दोस्तों, राकेश पटेल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे कि दोस्तों, आपने यह पिक्चर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लिनिकल फील्ड में देखा होगा, चाहे हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो या NABH हो, जो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने कहीं ना कहीं यह इमेज तो देखा होगा, जो कि इमेज हमें दर्शाता है कि यह डिफरेंट तरह के कोड्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। कुछ कोड हाइडली एक्टिवेट होते हैं और कुछ कोड अनाउंस किया जाता है। जी हाँ, इन सभी कोड में से एक मोस्ट कॉमन एंड फेमस कोड होता है, वह होता है कोड ब्लू। जब कभी कोड ब्लू एक्टिवेट होता है, उससे पहले एज ए नर्सिंग ऑफिसर अर्थात नर्सिंग स्टाफ, हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है कोड ब्लू के होने से पहले, या कोड ब्लू के टाइम पे कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वह इक्विपमेंट हमें पहले ही तैयार रखने होते हैं। उसके लिए एक मोस्ट कॉमन यूज्ड इक्विपमेंट होता है, दैट इज अ इंट्यूबेशन ट्रे। इंट्यूबेशन ट्रे होती है जो इंट्यूबेशन के प्रोसेस के टाइम पे यूज होती है। कोड ब्लू के टाइम पे नॉर्मली दो होते हैं, एक तो CPR होता है, दूसरा होता है इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन होता है मैनुअल ब्रीदिंग टू द पेशेंट बाय इंसर्टिंग अ ट्यूब इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्यूबेशन ट्रे। इंट्यूबेशन ट्रे के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होती है जिससे कि एक इंट्यूबेशन ट्रे कंप्लीट बनती है, तथा इंट्यूबेशन ट्रे जो होती है हमारी, उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनका किस तरह से केयर की जाती है, उनके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, हर हॉस्पिटल में जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंट्यूबेशन ट्रे के रिलेटेड कभी न कभी कोई ना कोई क्वेश्चन समय पुटअप किया जाता है। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट जो जो यूज होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पटेल नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से जोरदार सबका स्वागत है। मैं राकेश कुमार पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक जो कि इंट्यूबेशन ट्रे के रिलेटेड है। इंट्यूबेशन ट्रे के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो इंट्यूबेशन प्रोसेसर के ड्यूरिंग हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले होता है ऑक्सीजन फ्लो मीटर MO2 ट्यूबिंग, जिसके अंदर एम्बू बैग हो या वेंटी सर्किट हो, जो भी लगा होता है हमारे उसके साथ, और किस तरह से उसको कनेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है सक्शन एक अपरेटस और उसमें यूज होने वाले सक्शन कैथेटर। एंड थर्ड नंबर पे होता है हमारा एम्बू बैग, जो कि यह इमेज में दिखाया जा रहा है, एम्बू बैग। और चौथा होता है लैरिंगोस्कोप और उसके एसोसिएटेड ब्लैक पीडियाटिक ब्लेड होती है तथा एडल्ट ब्लेड होती है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ईटी ट्यूब, ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम ईटी ट्यूब यूज करते हैं, तो उन ईटी ट्यूब में किस में कौन सी ईटी ट्यूब यूज करते हैं, किस साइज की ईटी ट्यूब यूज करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। स्टीलेट, स्टेथोस्कोप और ईटी ट्यूब को फिक्स करने के लिए टैप यूज की जाती है, सीरिंग्स एवं नीडल्स, इन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आप इस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहला इक्विपमेंट आता है हमारा ऑक्सीजन सेटअप। इंट्यूबेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग सबसे पहले हमें ऑक्सीजन का सेटअप होना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो है जो कि यहाँ पर अभी देखेंगे। जैसे कि यह वीडियो दिखाई दे रहा है, यह सबसे पहले है हमारा फ्लो मीटर। फ्लो मीटर के अंदर डिस्टिल वाटर भरा होता है इस चैम्बर में, जिसके अंदर हमारे ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मिलती है, तथा यह ऑक्सीजन फ्लो मीटर का स्केल होता है जिसके अंदर मैक्सिमम 15 तक मार्किंग होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। यह ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। यह हमारा बेंच सर्किट बोलते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट के दौरान काम में लिया जाता है। पोर्टेबल वेंटिलेटर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। यह पूरा सर्किट होता है जिसके थ्रू हम डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ से हमारा पेशेंट कनेक्टेड होता है एंडोट्रेकल ट्यूब के द्वारा, और इसके थ्रू हम इसको प्रेस करके हम ऑक्सीजन डिलीवर करते रहते हैं। और ये दो वाल्व होते हैं जिसके थ्रू अगर हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होती है तो बल्ब फटने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे ओपन करके हम ऑक्सीजन जो इस बल्ब के अंदर ज़्यादा होती है उसको रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एम्बू बैग के बारे में बात करते हैं। एम्बू बैग का दूसरा नाम होता है बैग वॉल्व मास्क BVM, और दूसरा नाम होता है मैनुअल रिससिटिएटर एंड, और इसे सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि हम इस बैग को 10 to 12 टाइम इसे प्रेस करेंगे और इसके अंदर एक बार में अप्रोक्सीमेटली 400 ml
तक ऑक्सीजन डिलीवर होती है। यह एवरी 5 to 6 सेकंड बाद हम प्रेस करेंगे तो यह 10 to 12 पर मिनट हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस रहेगा। जैसे कि हमने ड्यूरिंग वीडियो बात करी, फ्लो मीटर में हाईएस्ट होता है 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन डिलीवर होती है, और जो वाटर चैम्बर होता है वह ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड करता है, एवं जो ट्यूब होती है वो हमारे एम्बो बैग हो या वेंटी सर्किट हो या बेन सर्किट हो उसे कनेक्ट करता है। ऑक्सीजन के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखा जाता है कि जब हम इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, अगर ट्रेकिया की रिप्लेसमेंट ट्रेकिया की जगह पर अगर वह इसोफेगस में चला जाता है तो गैस्ट्रिक इंसफ्लेशन होता है, और अगर ओवर इन्फ्लेशन हो जाता है तो ओवर स्ट्रेचिंग हो जाता है लंग्स का, जिसे हम वॉल्यूट्रोमा कहते हैं, मीन्स लंग्स की एल्वोलाई डैमेज होती है, और ओवर प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन को जब इस बल्ब को हम प्रेस करते हैं तो एक्सेसिव प्रेशर देके अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो हमें बैरोट्रोमा हो जाएगा, मीन्स ओवर प्रेशराइजेशन हो जाएगा लंग्स टिश्यू का। नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंगोस्कोप का। लैरिंगोस्कोप दो तरह के होते हैं, मीन्स लैरिंगोस्कोप एक ऑर्डिनरी होता है जो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक जो कि आजकल NABH हॉस्पिटलों में स्पेशली पाया जाता है, जिसके अंदर हम डिजिटल व्यू में हमारे लैरिंग्स विजुलाइज कर सकते हैं। दूसरा होता है, यह एक पूरा सेटअप दिखाया गया मॉनिटर के साथ का। बात करते हैं हमारी इन ब्लेड्स के बारे में। यह ब्लेड दो तरह की होती है, एक एडल्ट ब्लेड होती है और दूसरी चाइल्ड में यूज की जाती है खींची जाने वाली ब्लेड होती है। एडल्ट वाले को मैकिंटोस ब्लेड कहते हैं या कर्व ब्लेड कहते हैं, जैसे कि यह एक एडल्ट लैरिंगोस्कोप का इमेज दिखाया गया है। चिल्ड्रन में जो यूज की जाती है उसे मिलर ब्लेड कहते हैं, वह स्ट्रेट होती है, मीन्स यह कर्व नहीं होता उनका, इस तरह से स्ट्रेट ब्लेड की जाती है। और इनका मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है और कॉम्प्लिकेशन भी एक ही है, लैरिंजियल एडिमा, मीन्स इंट्यूबेशन का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वह लैरिंजियल एडिमा होता है, लैरिंग्स का में एडिमा हो जाता है। ताकि सबसे पहले हम डेली इन्वेंट्री के तौर पे इसे चेक करना चाहिए लैरिंगोस्कोप को, भले कोड ब्लू हो ना हो फिर भी डेली बैटरी चेक करना है, और डेली हमें इसका लाइट सोर्स को चेक करना होता है हर एक ब्लेड को लेने के बाद। और ब्लेड को फिक्स करने का तरीका होता है, थंब को पीछे से प्रेस करना है, ब्लेड को फोर्स करना है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, जिससे कि वह ब्लेड ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए, क्लिक साउंड हमें सुनाई देता है, जिस तरह ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ क्लिक साउंड होता है। और नेक्स्ट आता है हमारे मैगिल फोर्सेप्स बोगीज एम स्टिलेट। नॉर्मली जब लैरिंगोस्कोप के द्वारा हम पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर पाते हैं तब हम मैगिल फोर्सेप्स जो कि इमेज में दिखाई दे रही है, और ये हमारे स्टिलेट है जो कि दिखाई दे रहे हैं, और ये थर्ड वन इज अ बोगी जो कंपेरेटिवली लॉन्ग होती है एंड फ्लेक्सीबल मोर देन स्टिलेट होता है। स्टिलेट फ्लेक्सीबल कम होता है और बोगी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, एंड बोगी ज़्यादा लॉन्ग होती है और स्टिलेट शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू बोगीज। अब हम बात करते हैं इसके यूज कब में किया जाता है। इन तीनों को हम इमरजेंसी इंट्यूबेशन के दौरान करते हैं, जब हमें लैरिंगोस्कोप से इंट्यूबेट नहीं हो रहा है पेशेंट, या फिर इमरजेंसी है तब हम सीधा बोगीज से, स्टिलेट से या मैगिल फोर्सेप्स से इंट्यूबेट कर सकते हैं। मैगिल फोर्सेप्स के दूसरे हम बेनिफिट देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूज इन इमरजेंसी एंड ईटी ट्यूब डिसलॉक्ड। जब ईटी ट्यूब डिसलॉक्ड हो जाता है या इमरजेंसी कंडीशन है तब हमें यूज करते हैं। हमारा दूसरा होता है मैगिल फोर्सेप्स को नॉर्मली फॉरेजिन बॉडी अगर ट्रेकिया में या थ्रोट में फंस जाता है उस समय हम उसे रिमूव करने के लिए मैगिल फोर्सेप्स का यूज करते हैं। कभी कभी हमें यह इमेज भी एग्जाम में दिखाई दे जा सकते हैं कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, तब यह मैगिल फोर्स है या स्टिलेट होते हैं तथा यह बोगीज दिखाया गया है। नेक्स्ट हम एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमने प्रॉपर तरीके से ईटी ट्यूब दिखाई गई है, जो कि एक डिफरेंट टाइप की ईटी ट्यूब है। दो तरह की नॉर्मल ईटी ट्यूब होती है, विथ एपिग्लोटिस एंड नॉर्मल, जो यह हर ईटी ट्यूब के पीछे की साइज लिखी होती है, यह साइज हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है, एक्सपायरी हमेशा देखनी होती है, मैन्युफैक्चर एंड ईयर ही एक्सपायरी, इस चीज को हमेशा हमें देखना होता है। दूसरी हम ओपन करके ईटी ट्यूब दिखा रहे हैं जिसके अंदर दो ट्यूब लगी दिख रही है, एक यह ट्यूब होती है जो एपिग्लोटिल सक्शन के लिए यूज की जाती है,
तथा एक दूसरी होती है जो बल्ब को इन्फ्लेट करने के लिए जी जाते हैं। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वह है एपिग्लोटल सक्शन के लिए, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जैसे कि मैं अभी देखता हूँ एक एयर से, यस इसे इससे हम प्रेस करेंगे यह पॉइंट, एंड दूसरा है जिसे हम एस्पिरेट करने के एयर, तो हमें यहाँ पे आवाज वो सुनाई दे रही है। इस पॉइंट पे एक पॉइंट होता है जो कि बल्ब इन्फ्लेट होता है उसके ऊपर होता है, ताकि थ्रोट से अबव का जो हमारा सिक्रेशन होता है वो एपिग्लोटल सक्शन के द्वारा एस्पिरेट किया जाता है। और दूसरा जो बल्ब दिखाई देता है जो अभी इन्फ्लेट कर रहा हूँ मैं, वह हमारा ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि यह पोर्शन हमारा इन्फ्लेट हो रहा है, जिसके बाद देखना होता है कि इसका एमएम ऑफ एसजी में कितना प्रेशर होता है। आजकल नॉर्मली जो भी टी ट्यूब आती है वह दो पोर्ट के साथ में आती है, एक यह पोर्ट होता है और दूसरा यह पोर्ट होता है। यह एपिग्लोटिल सेक्शन के लिए होता है और यह ट्यूब को इन्फ्लेट करने के लिए और फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो नाउ वर्ड है, जब कभी किसी न्यूली कैंडिडेट के पास में ईटी ट्यूब आती है तो वह कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी इसे एपिग्लोटिल सेक्शन करने के बजाय यहाँ से वह शक कर लेते हैं एयर, तो ट्यूब होती है वह डिसलोकड होने की संभावना रहती है, यह बल्ब डिफ्लेट हो जाता है जिससे ट्यूब लूज होती है, और ओरल के सिक्रेशन होते हैं वो हमारे पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन एस्पिरेटेड न्यूमोनिया के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। आप यह यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं, यह बल्ब होता है जो इन्फ्लेट करने के लिए होता है ट्रेकोस्टोमी को फिक्स करने के लिए, ताकि अपर पोर्सन एंड लोअर पोर्सन दोनों डिफ्रेंशिएट हो सके, एवं यह होता है एपिग्लोटिल सेक्शन जो कि जिसका आई पॉइंट होता है यहाँ पर, यहाँ से हम इसके अबो का पोर्सन मीन्स इस एरिया में जो भी सिक्रेशन होगा हमारे ओरल कैविटी के अंदर और ओरोफेरिंग्स के अंदर, वह हम यहाँ से एब्जर्व कर पाए और जो सिक्रेशन का उसका क्लोगिंग नहीं होगा। यह एक ईटी ट्यूब दिखाई दे रही है हमें, पॉइंट्स के डिटेल दिए हुए हैं, अगर आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि इसे मर्फी आइज कहते हैं इस पॉइंट को, और यह कफ होता है फूल जाता है फूलने के लिए यूज किया जाता है, बगल होता है एंड टॉपिक होता है, और ये बलून होता है जिसे हम पायलट बलून के बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एयरवेज। नॉर्मली एयरवेज का काम होता है ईटी ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं ओरल कैविटी के थ्रू, तो पेशेंट को च्यू करने की पॉसिबिलिटी रहती है। एयरवे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि यह टू नंबर का एयरवे है, टू नंबर के एयरवे हमेशा ग्रीन कलर का होता है, यह यूनिवर्सल कलर है, सब एयरवे टू नंबर के इसी तरह इसी कलर के होंगे, जैसे कि येलो कलर का, यस येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वह थ्री नंबर का है, मीन्स थ्री नंबर का एयरवे अगर कोई डॉक्टर मांगता है तो वो येलो कलर का होगा, एंड रेड कलर का है जो कि अब फोर नंबर का है। इस तरह से उनके कलर से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इनका यूज देखें तो एक तो प्रोटेक्ट द टंग फ्रॉम बाइटिंग, टंग बाइटिंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है हमारी एंडोटेकल ट्यूब होती है जो बाइट करने से हम बचाते हैं ओरल एयरवे के थ्रू, एवं अनकॉन्शियस पेशेंट में एयरवे को ओपन रखने के लिए हम ओरोफेरिंजियल एयरवे का यूज करते हैं, सक्शन करने के लिए भी हम इसके थ्रू हम इंसर्ट करते हैं सक्शन कैथेटर, और हमारी ओरल कैविटी एंड पॉइंट तक मींस यहाँ हमारे ओरल ओरोफेरिंग्स तक ये एंड होता है, तो वहाँ तक हम इजीली सक्शन कर पाए। फ्रेंड अब बात करते हैं प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर। दोस्तों इसके लिए हम एक पर्टिकुलर इस पे अलग से लाइव वीडियो आपके सामने लाएंगे कि किस तरह से इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, उसका पूरा प्रोसीजर वीडियो हम आपके सामने लाएंगे, पर जनरली हम देख लेते हैं कि कोई भी इंट्यूबेशन प्रोसीजर से पहले पेशेंट को प्री हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है, मीन्स 100% ऑक्सीजनेट कर जाता है, चाहे वह एम्बू बैग थ्रू और मास्क के थ्रू हो या नॉर्मल, सब इक्विपमेंट हम प्रिपेयर करते हैं और जो पेशेंट होता है उसे हाइपर एक्सटेंड करते हैं, मीन्स स्निफिंग पोजीशन कहते हैं, जिसके अंदर हेड को कम्प्लीटली एक्सटेंशन करते हैं और इजीली हम इंट्यूबेट कर पाए। और इसके बाद हम व्यू देखते हैं, मीन्स वोकल कॉर्ड दिख रहा है या नहीं, लुक फॉर व्यू करते हैं। फिर ईटी ट्यूब होता है जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है उससे 1 से 3 सेंटीमीटर बिलो यानी बियॉन्ड तक हम इंसर्ट करते हैं, देन हमारा जो स्टिलेट होता है या बुगीज होते हैं उसे हम रिमूव करते हैं, और इसके बाद कफ को इन्फ्लेंट करते हैं मिनिमम 5 to 8 cc एयर, 5 to 8 cc एयर
बूस्ट करके हम उसे इन्फ्लेट करते हैं, देन ऑस्कल्टेट करते हैं, चेस्ट के चारों व्यू को हम ऑस्कल्टेट करते हैं, देन हमारा कंफर्मेशन के लिए एक्सरे करते हैं। मोस्ट कंफर्मेटिव जो होता है वो हमारा एक्सरे होता है, एंड देन ऑल थिंग्स आर वी हैव डॉक्यूमेंटेड। इक्विपमेंट के अंदर होता है जो ईटी ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका फिक्सेटर यूज करते हैं, और मोस्ट कॉमन टेक्निक होती है जो हर एक फिक्सेटर के साथ में अलग अलग टेक्निक यूज में की जाती है। जैसे कि नॉर्मली ऑर्डिनरी हम डायनाप्लास्ट होता है उसके जो फिक्सेटर बनाते हैं वो ये होते हैं, तथा जो आजकल रिसेंट ऑर्डे जो फिक्सेटर पहले से ही कंपनी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, हमें जस्ट उनको फिक्स करना होता है, वो इस तरह के होते हैं जो कि इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे हम सक्शन ऑपरेटर्स विद सक्शन कैथेटर, डिफरेंट टाइप के सक्शन कैथेटर होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली 12 नंबर का सेक्शन कैथेटर एवं 14 नंबर का सेक्शन कैथेटर, इन दोनों सेक्शन कैथेटर को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है व्हाइट एंड ग्रीन, स्पेशली फॉर एडल्ट इन दोनों का यूज किया जाता है, चिल्ड्रन में 10 नंबर का एवं 8 नंबर का यूज किया जाता है, बट एडल्ट के तौर पे देखें तो 12 एंड 14 नंबर का सेक्शन कैथेटर यूज किया जाता है। वॉल सेक्शन ऑपरेटर है, यह हमारा प्रेशर मॉनिटर होता है सेक्शन का, जिसके हम अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 तक हम सक्शन का प्रेशर रखते हैं। नॉर्मली 120 इज अ सिंगल मोस्ट एम करेक्ट आंसर होता है, क्लिनिकली हम 150 तक रखते हैं। एक बेसिक नेसेसिटी है, जब कभी पेशेंट को इंट्यूबेट करता है तो उसे हाई रिस्क ड्रग देते हैं, जैसे कि सेडेटिव ड्रग देते हैं एम लाइफ सेविंग ड्रग दी जाती है, तो उसके लिए हमें कैनुला लेना होता है, आईवी कैनुला, जिसके थ्रू हम इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसके लिए ग्लोव्स होते हैं 6.5, 7, 7.5 ETC, आईवी किट होती है जिसके अंदर कैनुला होते हैं डिफरेंट साइज के 80, 20, 22, इसके बाद सिरिंज नीडल होती है, इसके बाद आईवी सेट होते हैं, और RLNS, DNS, ETC को रखा जाता है, स्पेशली कार्डिक इमरजेंसी और इंट्यूबेशन के दौरान हम NS को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। दोस्तों लास्ट अब बात करते हैं हाई रिस्क ड्रग और इमरजेंसी ड्रग जो इंट्यूबेशन के दौरान यूज की जाती है, उन ड्रग के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमन यूज की जाने वाली ड्रग है मिडाज, मिडाजोलम शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव ड्रग होती है, इसके बाद फेंटानिल यूज किया जाता है, कोई एनेस्थेटिक्स प्रोपोफोल यूज करवाते हैं, इसके बाद कोई केटामाइन, ये सब हाई रिस्क ड्रग होती है, एवं कुछ इमरजेंसी ड्रग होती है जो है एट्रोपिन एंड एड्रेनालिन, इन दोनों ड्रग का भी कार्डिक इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फ्लश करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा। इन सब हाई रिस्क इमरजेंसी ड्रग का यूज करते समय हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पटेल नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।